दोस्तों आज के इस वीडियो में धमाल होने वाला है। क्या होगा आज के वीडियो में? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12 का सेट नंबर फर्स्ट। जी हाँ, और आज बात करेंगे 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। बोलता है इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ठीक है, यानी कि जो घटना का जो विवरण होता है क्या चीज में लिखा जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट राइटिंग तो आपको बिल्कुल पता होगा किसी भी घटना का विवरण हम लोग पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए घटना हुआ तो प्रेजेंट में लिखेंगे कि हाँ बस से टेम्पू टक्कर रहा है। नहीं सर, टक्कर हो चुका है, यानी कि जो एक्शन है पास्ट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा क्या होगा सर? इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। क्लियर ना सर? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, यू आर सुधांशु और सुनिधि। आप कौन है? आप सुधांशु हैं। यदि आप लड़का है तो आप सुधांशु हैं, और यदि आप लड़की हैं तो आप कौन हैं सर? सुनिधि हैं। अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। ए टाइम्स ऑफ इंडिया का चीज है सर, ए न्यूज पेपर का नाम है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के काची हैं, रिपोर्टर हैं। यू हैव बीन आस्क्ड, और आपको बोला गया है टू कवर द इंसिडेंट। आपको एक इंसिडेंट को कवर करना है। क्या कौन सा इंसिडेंट सर? अ डे लाइट रॉबरी। अ डे लाइट रॉबरी यानी कि दिन दहाड़े डकैती या चोरी, जो भी आप बोल लीजिए। When the inmates were present in the house, क्या चीज सर? यानी कि घर के लोग जो थे घर में प्रेजेंट थे, इसके बावजूद भी वहां पर क्या हो गया सर? जी हाँ, वहां पर क्या हो गया? वहां पर चोरी हो गया, ठीक है। और जब वहां पर चोरी हो गया तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। जी हाँ, इस रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होगा, मतलब कि सबसे सटीक टाइटल क्या होगा? मेरे को तो सर यही लगता है, देखिए यहाँ पर अ डे लाइट रॉबरी, मतलब दिन दहाड़े डकैती, बहुत खूबसूरत सा टाइटल होगा सर। देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। देखिए आप ऑप्शन नंबर सी, अ डे लाइट रॉबरी विल बी अ राइट हियर। क्लियर हो रहा है? अरे सर बिल्कुल मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ जाए। अरे सर बिल्कुल बढ़ जाइए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, ठीक है, लेटर टू एडिटर। मैंने आपको पढ़ाया था लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है वो किसे लिखा जाता है सर? क्या लिखा जाता है? न्यूज़पेपर को, स्कूल को, कॉलेज को या क्लब को? जी हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। जी हाँ, न्यूज़पेपर को। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन। आपसे सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन पूछ रहा है फॉर लेटर। क्या चीज के लिए सर? लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मोस्ट सुटेबल जो सैल्यूटेशन होगा वो होगा सर या मैडम। सर या मैडम, क्लियर। नेक्स्ट है और नोटिस इज फॉर्मल मीन्स ऑफ। और नोटिस इज फॉर्मल मीन्स ऑफ, ये नोटिस जो है फॉर्मल मीन्स ऑफ क्या चीज का है? तो फॉर्मल मीन्स ऑफ है कम्युनिकेशन। क्या चीज है सर? कम्युनिकेशन। न्यूज का है ना, एंटरटेनमेंट का है ना, ट्रांसपोर्टेशन का है ना, क्या कहीं एक जगह से दूसरे जगह सामान के लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट, इन आर्टिकल राइटिंग में द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था जैसे दहेज प्रथा पर आपको अगर आर्टिकल लिखने के लिए आ गया तो आप वहां पर सब कुछ कंक्लूजन देख सकते हैं, लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ऑर्डर समझ में आ रहा ना कि हाँ आपको तिलक नहीं लेना है तो नहीं लेना है, लेना है तो लेना है ना, तो ऐसा कंक्लूजन आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं पर ऑर्डर होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इसमें से कौन सा जो है आर्टिकल राइटिंग का काची है सर? कंपोनेंट है। जी हाँ सर, द हेडिंग एंड टाइटल। हेडिंग एंड टाइटल यानी कि यदि आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग और टाइटल रहना अनिवार्य है, मस्ट है, 110% रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो रहा है सर? मजा आ रहा है? अरे सर बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए सर नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन फ्रेंको प्रूसियन वॉर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था द लास्ट लेसन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल होगा कि फ्रांस और जर्मनी में जब युद्ध हुआ था तो कौन सा कंट्री हरा दिया गया था, सॉरी मतलब कौन सा कंट्री हार गया था। तो वही आपसे क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉज डिफीटेड, कौन सा कंट्री को हराया गया था इन फ्रेंको प्रूसियन वॉर, फ्रेंको प्रूसियन वॉर में। जी हाँ सर, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि फ्रांस को जो है हरा दिया गया था। किसके द्वारा हराया गया था? तो जर्मनी के द्वारा। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। नंबर नेक्स्ट, द रैपिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव डैश। बोलता है कि जो रैपिकर थे, लॉस्ट स्प्रिंग्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो रैपिकर हैव नो आइडेंटिटी, उसके पास कोई पहचान तो नहीं था सर, बट दे हैव डैश, लेकिन मेरे पास डैश था, मतलब क्या था? तो दे हैव राशन कार्ड। जी हाँ सर, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा वे लोगों के पास राशन कार्ड था, जिससे वे लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिल जाता था और वे लोग अपने जिंदगी को मेंटेन करते थे, उस राशन से खाना पीना खाते थे। क्लियर ना सर? जी हाँ सर, तो वे लोग के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड था ना, तो उन लोग के पास पासपोर्ट था ना, तो उन लोग के पास आधार कार्ड था ना, तो उन लोग के पास क्या उसको बोलते हैं पैन कार्ड था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज था सर, दैट इज कॉल्ड राशन कार्ड। राशन
कार्ड। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज डगलस, मतलब डगलस कितना साल का था वेन ही वेंट फॉर कैलिफोर्निया बीच। ये क्वेश्चन किससे है? जी हां सर, डीप वाटर चैप्टर नंबर थर्ड। क्लियर हो रहा है? जी हां सर। वन सेकंड, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। बोलता है हाउ ओल्ड वॉज डगलस, डगलस कितना साल का था वेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच। जब कैलिफोर्निया बीच पर गया था ना, कैलिफोर्निया का जगह का नाम है बीच, मतलब समुद्र का किनारा। जब कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे वो गया था तो कितना साल का था? जी सर, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, था बिल्कुल पता होगा, 3 और 4 ईयर, 3 और 4 साल का था जबकि वो पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर घूमने के लिए गया हुआ था। क्लियर हो रहा है? अरे सर बिल्कुल मजा आ रहा है। नेक्स्ट है, डगलस हैड एन एवर्जन, डगलस को था जो नफरत था, क्या चीज से नफरत था सर? जी सर, डगलस को नफरत था पानी से। क्या चीज से था सर? पानी से, क्योंकि पानी से वो क्या हो गया था, उसको डर हो गया था। जब वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था तो एक समुद्र का लहरा आया था और समुद्र का लहरा में विलियम डगलस को पानी के नीचे दबा दिया था, जिसके चलते उसके दिलो दिमाग में पानी से पड़ा डर हो गया था और इसीलिए उसको नफरत हो गया था। क्या चीज है सर? जी सर, पानी से। क्लियर हो रहा है? अरे सर बिल्कुल मजा आ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन पैडलर्स व्यू, पैडलर्स के नजरिया के हिसाब से, पैडलर्स आपको समझ में आ रहा होगा, द राइट रैप चैप्टर का क्वेश्चन है। बोलता है इन पैडलर व्यू, पैडलर के नजरिया के हिसाब से, व्हाट डज वर्ल्ड लुक लाइक। जी सर, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया कैसा दिखता है पैडलर के हिसाब से, ये दुनिया कैसा है? जी हाँ दोस्तों, तो पैडलर के हिसाब से ये जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप के जैसा है। कैच के जैसा है सर? रैट ट्रैप के जैसा है, ठीक है, पैडलर के नजर के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बोलता है व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। जी हाँ, बोला जा रहा आपसे क्वेश्चन कि व्हेन मतलब कि कब एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, मतलब जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कब हुआ था, तो कब हुआ था सर? डी आंसर, दिसंबर 1916। आगे बोलता है पैनकेक्स वाज ब्रांड नेम ऑफ, जो पैनकेक्स था ना सर वो ब्रांड नेम था, क्या चीज का ब्रांड नेम था सर? तो ब्रांड नेम था मेकअप का। क्या चीज था सर? मेकअप मटेरियल, मेकअप का एक मटेरियल था, जैसे मेकअप आप जानते होंगे, ठीक है, जो एक्टर और एक्ट्रेस को आप देखते हैं जो जितना स्मार्ट दिखता है वो क्या चीज का कमाल है, अगर उतना स्मार्ट नहीं भी रहता है फिर भी वो स्मार्ट दिखता है, वो कमाल है सिर्फ और सिर्फ मेकअप का, ठीक है। तो वही है, जो पैनकेक है वो ब्रांड नेम है, क्या चीज का है ब्रांड नेम है सर? तो मेकअप का, ठीक है, क्लियर ना सर? बिल्कुल क्लियर है। हु वॉज बॉस ऑफ जिम्नी स्टूडियो, जी हाँ, जिम्नी स्टूडियो का जो बॉस थे उनका क्या नाम था? जी हाँ सर, तो जिम्नी स्टूडियो का बॉस का जो नाम था वो था मिस्टर वसन। क्लियर हो रहा है? जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बोलता है हु रिफर्ड इंटरव्यू एज अ ऑर्डर, ठीक है, किसने इंटरव्यू के एक ऑर्डर का दर्जा दिया है? जी हाँ सर, तो वो जो दर्जा दिए हैं वो दिए हैं H.G. Wells। जी हाँ, H.G. Wells। क्लियर। नेक्स्ट है, हु वर सोफी एंड जैंसी, जी हाँ सर, सोफी एंड जैंसी कौन थी? तो सिस्टर थी? नहीं सर, फ्रेंड थी, हाँ ये तो थी, क्लासमेट थी, तो बिल्कुल थी। और लास्ट ऑप्शन आपसे बोला गया है, इसीलिए बोला गया दोस्तों कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। यदि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं होता और यदि ऑप्शन नंबर सी अगर भी नहीं होता तो हम लोग मारते ऑप्शन नंबर बी, चूंकि और भी आगे ऑप्शन है, तो बी में है फ्रेंड और सी में है क्लासमेट, और ऑप्शन नंबर डी में है बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों बी बी और सी बी, यानी कि फ्रेंड भी थी और क्लासमेट भी थी। जी हाँ सर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज, कहने का मतलब उन लोग फ्रेंड भी थी और वे लोग क्लासमेट लोग भी थी। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आप नीचे के एक्सट्रैक्ट को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, और 18 से लेकर 20 तक उसका क्या करिए सर? जी हाँ सर, जवाब दीजिए। आइए देखते हैं, जवाब देते हैं आपको। बोलता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल। जी हाँ सर, एक कीपिंग क्वाइट से पोयम का ए लाइन है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। बोलता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और फिशरमैन जो कोल्ड सी में काम करते हैं यानी कि बड़े बड़े वाटर बॉडीज में, समुद्र में जो काम करते हैं, वुड नॉट हार्म वेल, उसे आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो इंसान जो साल्ट गैदर करने का काम कर रहे हैं, नमक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, अपने आप जख्मी हाथों को देखिए, आप अपने जख्मी हाथों को देखिए। ये आपसे चार एक्सट्रेट यानी कि चार लाइन दिया हुआ है सर। अब आपको इसी से यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रेट पोयम। जी हाँ सर, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। बोलता है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रेट पोयम, ठीक है, ये जो एक्सट्रेट दिया गया है, जो पोयम दिया गया है, इसके राइटर कौन है जनाब? जी हाँ सर, इसके जो राइटर हैं वो है पैब्लो नेरुडा। देखिए सर कहीं पर ऑप्शन होगा, जी हाँ सर हमको बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन है फर्स्ट, पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा इज द राइटर ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट से ही एचआर लाइन उठाया गया सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है व्हाट डज पोएट एक्सपेक्ट, पोएट का क्या उम्मीद है
द फिशरमैन टू डू, जो फिशरमैन है ना वो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, उनसे वो क्या उम्मीद करते हैं, तो उनसे उम्मीद किया जा रहा है कि नोट टू हार्म द वेल, या वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर फर्स्ट ही लाइन में था सर नोट टू हार्म द वेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है सर द मैन गैदरिंग साल्ट, जी हाँ द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज डैश, ठीक है, बोलता है वो इंसान जो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वुड लुक एट हिज डैश, वो देखे तो कहां पर देखे सर, कहां पर देखे सर, तो हॉट लेग, अपने जख्मी पैर को देखे, नहीं सर लाइन तो बिल्कुल नहीं आया था, हॉट हैंड, अपने जख्मी हाथों को देखे, कि देखिए आप उसको गौर से समझे को कितना नुकसान पहुंचा चुका अपने हाथों को, और अगर इससे बेटर काम हो सकता है तो अपने आप को चिंतन करे, अपने आप को 10 मिनट सोचने का समय दे और उस दुनिया से बाहर निकल सकता है। क्लियर रहना सर, जी सर, तो बोला जा रहा है कि वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, अपने जख्मी हाथों को क्या करे देखे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है सर व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, बोलता है जो कमला दास जो है ना वो क्या चीज अपने माँ को कंपेरिजन किए हैं सर, तो कंपेरिजन किए थे लेट विंटर मून, लेट विंटर मून आप देखे होंगे, अगर आप लेट विंटर मून को देखे होंगे तो पूरा धुंधला दिखता है, ठीक उसी प्रकार कमला दास के माँ के चेहरे पर कोई चमक नहीं है जिस तरह से लेट विंटर मून में कोई चमक नहीं होता है। द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये जो पोयम है ना सर, ये पोयम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, जो पोयम है डील विथ द थीम ऑफ, इससे जो पोयम में क्या चीज थीम पर बात किया गया है, तो थीम मात्र एक ही है सर, देखिएगा सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, मतलब समाज में जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, और क्लास इनइक्वालिटी, और क्लास में इनइक्वालिटी है, मतलब सभी लोगों को एक नज़र से नहीं देखा जा रहा है। अब टाउन के बच्चे को देखिए पूरा टाई बेल्ट जूता मोजा कस करके जाता है स्कूल, और वही अगर गांव का बच्चा है तो गांव का बच्चे में उतना कुछ भी पढ़ाई के लेकर के कोई सीरियस नहीं है, वो सरकारी स्कूल में जाता है वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होता है। कहने का मतलब दोनों जगह जो पढ़ाई का जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी है, कहने का मतलब वही है कि क्लास इनइक्वलिटी का बात किया गया इस पोयम में। क्लियर ना सर, बिल्कुल क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, ए रहा सर आपके पास, बोलता है व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ठीक है, व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, यानी कि जो मिड फॉरेस्ट है उसको क्या चीज रिच कर देता है, तो कौन रिच कर देता है सर, तो रिच कर देता है, देखते हैं यहाँ पर मस्क रोजेज, मस्क रोजेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी से एक क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये पोयम भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल, व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, मतलब रोड साइड स्टैंड जो लगाया गया था, पोयम आपने पढ़ा होगा रोड साइड स्टैंड, तो पर क्या चीज, क्या चीज ऑफर किया जा रहा था, क्या चीज वहां पर बेचा जा रहा था, ठीक है, तो देखते हैं सर वाइल्ड बेरीज गोल्डन स्क्वेच बोथ एंड बी, जी सर दोनों बेचा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट वाज आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, आंट जेनिफर के जो टाइगर थे ना वो जो पर्दे पर अपना टाइगर को बना रही थी ना, वे लोग क्या कर रहे थे सर, तो क्या कर रहे थे, तो जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, जी हाँ जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या कर रहे थे, तो जंपिंग कर रहे थे। नेक्स्ट बोलता है सर हु ऑफर शेल्टर टू द पैडलर, पैडलर को शेल्टर कौन दिया था सर, रहने के लिए जगह कौन दिया था सर, कि एक रात ठहर जाइए, यहाँ देखिए एन ओल्ड क्रॉफ्टर दिया था, ठीक है, रात भर रुकने के लिए आपने पोयम को सॉरी इस स्टोरी को जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर को कौन सेंड किया था, तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम था श्याम, ठीक है, श्याम सेंड किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, बोलता है हु वाज चार्ली वाइफ, चार्ली का वाइफ का क्या नाम था सर, तो चार्ली का वाइफ का नाम था लुइसा, क्या नाम था सर, लुइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज यूमी, यूमी कौन था, एंड इन विच चैप्टर से क्वेश्चन है, और जो यूमी थी वहां का कौन था, तो वहां का सर्वेंट था सर, वहां का नौकर था। क्वेश्चन नेक्स्ट हु आर डिस्क्राइब एज अ इनमीज, किसको यहाँ पर इनमीज के जैसा डिस्क्राइब किया गया है, टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग जो स्टोरी है ना बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है सर, माय फेवरेट चैप्टर, जो टाइगर किंग है उसमें किसको एक दूसरे को एक इनमीज दिखाया गया है, तो इनमीज दिखाया गया है बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर, सांड को और बाघ को वहां पर इनमीज यानी कि दुश्मन दिखाने की कोशिश किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, जी हां सर, तो डॉक्टर सदाव तो थे वो जापानीज डॉक्टर, जापान के डॉक्टर साहब थे सर, कहां के डॉक्टर साहब, जापान के डॉक्टर साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो प्रोग्राम का क्या नाम था, जो उस प्रोग्राम का क्या नाम था जो कि हाई स्कूल के बच्चे को कहां ले जा रहा, कहां लेकर जाया जा रहा था सर, डी हां सर एंड ऑफ द अर्थ, धरती का पूरा अंतिम छोर में लेकर जाया जा रहा था, उस प्रोग्राम का आपसे नाम पूछा जा रहा है कि द नेम क्या चीज था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन
आइस. क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता हाउ मेनी टाइम जोन डिड राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जाने में उन्होंने कितनी टाइम जोन को पार किया था, तो उन्होंने 9 टाइम जोन को पार किया था. 9 टाइम जोन. क्लियर ना सर? अरे सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है. क्वेश्चन नेक्स्ट लेट टाइगर बी अवेयर हु सेड दिस. टाइगर हमसे बच कर रहे, ये लाइन किसने कहा था? ये लाइन किसने कहा था सर? तो ये लाइन को कहा था, कौन कहा था? प्रिंस जंग बहादुर. इसी का आगे चल के नाम हो गया था टाइगर किंग. तो कौन कहा था सर? प्रिंस जंग बहादुर. कौन कहा था जनाब? हाँ बिल्कुल बोलेंगे एक बार, कौन कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर. क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मेनी रिंग डिड महाराजा सेंड. महाराजा ने कितने रिंग को सेंड किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी. कहने का मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को उन्होंने कितना रिंग दिया था सर? जी सर, तो उन्होंने रिंग दिया था 50. राजा साहब सोचे थे कि 50 रिंग में से एक दो रिंग को सिलेक्ट कर लेगी, लेकिन वो जो छोटी लालची निकल गई और 50 रिंग को क्या कर ली थी सर? रख ली थी. क्वेश्चन नेक्स्ट इस स्टोरी टोल्ड बाय द जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम. ठीक है, यानी कि जैक के द्वारा जो भी कहानी कहा जाता था उसमें एक छोटा सा क्रिएचर होता था जिसका नाम क्या था सर? जिसका नाम होता था रोजर स्कंक. शॉर्ट में नाम लिखा गया रोजर और पूरा नाम है रोजर स्कंक. क्लियर ना सर? बिल्कुल क्लियर है सर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर. 37 क्वेश्चन आपके सामने है. व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ द क्रैब एप्पल. जी हाँ, यानी कि क्रैब एप्पल को मिस्टर लैम क्या किया करते थे सर? तो उसका किया करते थे तो क्या बनाया करते थे? तो जैली बनाया करते थे. क्या बनाया करते थे? जैली. क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप, मतलब इवांस कितना बार भाग चुका था फ्रॉम द प्रिजन. प्रिजन का मतलब यूं तो पिजड़ा होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रिजन का मतलब है जेल. क्या चीज है? जेल. जेल से इवांस कितना बार भाग चुका था? तो जेल से जो इवांस है वो चोटा 3 बार भाग चुका था सर. कितना बार? 3 बार. क्या हुआ था सर? जेल से भाग चुका था. देखते हैं सर क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है सर हु वाज अनान. अनान कौन था सर? अनान कौन था? तो अनान था बामा का बड़का भाई. कौन था सर? बड़का भाई था. तो बामास एल्डर ब्रदर. बामास एल्डर ब्रदर, यानी कि जो बामा का बड़ा भाई था उसी का नाम था अनान. क्लियर ना सर? जी सर. और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट. आपने कहावत जरूर सुना होगा कि सर अंत भला तो सब भला. देखते हैं सर. बोलता है वेयर डिड जीट कलासा सा हाइड हरसेल्फ, यानी कि जो जीट कलासा थी ना अपने आप को कहाँ छिपा ली थी सर? जी सर, उसका जब बाल काटने के लिए लोग उसको ढूंढ रहे थे तो अपने आप को कहाँ छिपा ली थी? तो वो अपने आप को छिपा ली थी अंडर बेड. कहाँ छिपा ली थी सर? अंडर बेड. यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हियर. जी दोस्तों, तो ये थे 40 MCQ जो 2023 में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आप सेट को यदि आप ध्यान से एक बार पूरे देख ले, आप सेट का प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप पढ़ाई का थोड़ा सा लेवल अगर डाउन भी है फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. जी दोस्तों, तो आज के वीडियो मात्र इतना ही. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे. तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद. अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना.